खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां बड़ा रेल हादसा टला है। जौनपुर जंक्शन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा। इस दौरान गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां जौनपुर जंक्शन के पास जैसे ही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पहुंची, तभी उसका जो इंजन था वह पटरी से उतर गया। इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फैजाबाद वाराणसी का जो रेल रूट है वह प्रभावित हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये गनीमत की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में रेल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन वो ठीक ढंग से नहीं किए। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। यदि कोई बड़ा हादसा होता तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल ट्रेन का जो इंजन है वह पटरी से उतरा है और इस पूरे मामले की जांच अब रेल महकमे के उच्चाधिकारी करेंगे। फिलहाल रेल रूट बाधित है और जो इसमें यात्री हैं वह भी इंजन के पटरी पर उतरने के बाद सामने सामने नजर आए। रेल विभाग के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैकेनिकल लोग हैं, वह रेलवे जंक्शन पहुंचे हैं और ये जो इंजन है उसको ठीक करके आगे के लिए रवाना करेंगे। इस ट्रेन के इंजन के पटरी से उतर जाने की वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, लेट हुई हैं, जिसे लेकर रेलवे महकमा पूरी तरीके से सजग है।